जी हाँ दोस्तों, मोटर टॉक्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त पंकज रावत। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है वो मोटर टॉक्स नाम से है और मोटर से रिलेटेड है, मतलब गाड़ियों की मॉडिफिकेशन हो गई जो लॉन्च होती हैं उनके बारे में, डिस्क्रिप्शन हो गया, जो भी उनका रिव्यू होता है। लेकिन आजकल वो कंटेंट हमारे चैनल पे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है लॉकडाउन है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के शेयर करी जाए, इसलिए मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए बना के डाल रहा हूँ। एक कहानी है जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे भी ये कहानी पर्सनल बहुत अच्छी लगी। दोस्तों तो ये कहानी है एक अर्जुन नाम के लड़के की और एक उसके फादर की। अर्जुन जो होता है, जैसे आपको पता है, जो बच्चे होते हैं 17-18 साल की उम्र में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हर चीज को इजी समझते हैं। तो अर्जुन के जो फादर थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बुक्स के साथ डील करते थे और अपने वेंडर्स के थ्रू और अपने एम्प्लॉयर के थ्रू बुक्स को डोर टू डोर बेचते थे और उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते थे। और उनके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जब कमाते थे तो अर्जुन को लगता था कि यार ये काम बहुत ज़्यादा ईजी है और जो हमारा काम है पढ़ाई लिखाई वो ज़्यादा टेंशन भरा है। तो होता ये कि एक दिन अर्जुन अपने पापा से कह देता है जनरली कि यार पापा, मुझे जो आपका काम है ना बहुत ज़्यादा ईजी लगता है और जो मुझे मेरा काम है पर्सनली लेवल पे जो पढ़ना लिखना है वो ज़्यादा मुश्किल है। तो पापा कहते हैं बेटा ऐसा नहीं है, सारा काम, सब काम आसान भी होते हैं और सब काम मुश्किल भी होते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा या आसान नहीं होता। तो अर्जुन के पापा क्या करते हैं, अर्जुन को कहते हैं, टास्क देते हैं कि बेटा जाओ और मार्केट में ये सारी किताबें सेल करके आ, मैं 10-15 किताबें तुझे देता हूँ और ये जो काम एम्प्लॉय मेरे कर रहे हैं तू करके दिखा, देखते हैं तेरे अंदर कितना टैलेंट है। तो अर्जुन एग्री कर जाता है और उसके पापा ये और शर्त रख देते हैं कि जितनी भी किताबें तू बेचेगा वो सारा जितना भी प्रॉफिट होगा वो मैं तुझे दे दूंगा। तो अर्जुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, यार ये तो बहुत ईजी है और 10-15 किताबों की बात है और जितने भी पैसे मिलेंगे वो मेरे हो जाएंगे। तो अर्जुन बहुत कॉन्फिडेंट और खुश रहता है। सिर्फ 10-15 किताबें बेचना कितना बड़ा मुश्किल काम है, अर्जुन सोचता है बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं ऐसे चुटकियों में। अब क्या कहता है, अर्जुन जाता है किताबें सेल करने और थोड़ा बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है अर्जुन कि यार मैं 2 मिनट के अंदर इन सारी किताबों को सेल कर दूंगा। तो भाई जो पहले डोर पे जाता है तो कहता है नॉक नॉक नॉक, खट खट खट, दरवाजे पे बाहर आता है, दरवाजा खुलता है, ठीक है, कस्टमर आता है। अर्जुन बिल्कुल एकदम अपना डेमो देता है कि जी हम ये वाली बुक बेचने आए हैं, सबसे बेस्ट बुक है, आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो सीधे तरीके से उसे मना कर देते हैं कि जी हमें किताब नहीं लेनी है। सेकेंड डोर पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाता है अर्जुन कि प्लीज़ लैपटॉप तक नॉक नॉक नॉक, दरवाजा खुलता है और अपनी बुक्स के बारे में जैसे वो पहले डिस्क्राइब कर रहा था वैसे डिस्क्राइब करता है और दोबारा क्या होता है, बड़ा से दरवाजा खुलता है, उसे मना कर देते हैं। अब अर्जुन का तीसरे दरवाजे में भी यही हाल होता है, चौथे में भी यही हाल होता है। इस तरह जो अर्जुन का जो कॉन्फिडेंट है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है और इवन वो 7वें-8वें गेट पे जाने में जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल था पूरा गिर चुका था, वो मतलब पूरा डिस्क्राइब भी नहीं कर रहा किताबों के बारे में, वो सीधे डोर टू नॉक कर रहा है, सर आपको ये किताब लेनी है। जो डोर है भड़ाक से लगा देते हैं कस्टमर, तो कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, कोई डांट देता है, कोई बोलता है भाई हमें क्यों परेशान कर रहे, कोई अच्छे से आदर करता है। तो अर्जुन ना एक भी किताब सेल नहीं कर पाता, घर टूट के आता है पापा के सामने बिल्कुल मायूस चेहरा और पापा से कहता है कि पापा ये काम सही में बहुत मुश्किल है और मैंने आप लोगों को गलत समझा, इन्हें गलत समझा, मुझे समझता था कि यार, मुझे लगता था कि ये काम बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं इसे 2 मिनट में कर लूँगा। अब अर्जुन के पापा भी उसे कहते हैं कि बेटा सारे काम ईजी भी होते हैं और सारे काम मुश्किल होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप उसे किस तरीके से करते हो, ठीक है। तो अर्जुन के पापा कहते हैं कि बेटा एक काम करो, आप इसे दोबारा कल दोबारा बेचने जाओ। तो अर्जुन मना कर देता है कि पापा नहीं, मेरे से एक भी किताब नहीं बेची गई, ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्लियर। तो अब अर्जुन के पापा ना उसे टास्क दोबारा भेज देते हैं, लेकिन उस टास्क का जो तरीका होता है वो बदलते हैं। टास्क का तरीका क्या बदलते हैं, अर्जुन के पापा कहते हैं कि बेटा तू इन बुक्स को लेके जाओ, लेकिन अगर इन बुक्स को बेचते वक्त जो भी कस्टमर तुझे मना करेगा, मैं एक नो पे
एक अगर एक कस्टमर तुझे मना कर रहा है तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगी, अगर तुझे दो कस्टमर मना कर रहे हैं मैं तुझे 200 रुपए दूंगी। लेकिन उन किताबों को बेचते हुए जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले डोर पे था, दूसरे डोर पे था, और वैसे ही लास्ट डोर तक वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अपने दोस्तों को कॉल करता है कि भाई आज तो लॉटरी लगने वाली है, मैं किताबें बेचने जा रहा हूँ और कम से कम मुझे विश्वास है कि 40-50 घर तो मुझे मना करने ही वाले। बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है वो और बिल्कुल एकदम, लेकिन उसे ध्यान रहती है अपने पापा की बात कि मुझे कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि अब उसके पास किताबें बेचने का जो रीजन था वो डिफरेंट था। ठीक है, वो किताबें बेचने जाता है और नो सुनने पे भी उसे कोई घाटा नहीं होता, ठीक है ना, उसका कोई मोरल डाउन होने वाला था। तो जाता है अगेन, पहली डोर नॉक करता है कि मैं आप ये किताब बेचने आया हूँ, सबसे बेस्ट बुक है, आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वही अगेन सेम कंडीशन, भड़ाक सा दरवाजा लगता है, अपने दोस्तों को कॉल करता है, भाई 100 रुपए कमा लिए हैं मैंने। दूसरे दरवाजे पे जाता है, भड़ाक सा दरवाजा लगता है, 200 कमा लिए हैं मैंने। अपडेट फुल चल रही है उसके अपने दोस्तों के साथ। तो अब क्या होता है, वो तीसरे दरवाजे पे जाता है, चौथे दरवाजे पे जाता है, वापस घर आता है। उसके फादर कहते हैं कि तूने कितने रुपए कमाए, मतलब कितने लोगों ने तुझे मना किया। तो उसने क्या जवाब था जानते हो उसका? उसने बोला कि पापा मैंने सिर्फ 700 रुपए अर्न किए, मतलब सिर्फ 7 लोगों ने मुझे मना किया। क्या सिर्फ 7 लोगों ने? खैर, आठवें दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मेरी सारी किताबें बिक चुकी थी। आठवीं किताब तक, आठवें डोर तक मेरी सारी बुक्स बिक चुकी थी। और वो कहता है कि पापा मैंने एक चीज सोची है कि बस इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो नहीं गिरना चाहिए। अगर उसका एक जैसा कॉन्फिडेंस हर जगह हो तो वो कुछ भी चीज कर सकता है। अक्सर ये होता है कि लोग एक जगह से, दो जगह से, तीन जगह से फेलियर होके ये समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कि चौथी जगह भी फेलियर लिखी हुई है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे पास एक और कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। धन्यवाद।